अस्सलाम वालेकुम यूवर्स जी, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे जी। मैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल लाजवाब शोरबा बनाने जा रही हूँ। एक किलो देखिए, ये सवा किलो है, सवा किलो मटन है, इसका शोरबा बनाएंगे हम। अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे हम। एक चम्मच घी डालेंगे, प्योर घी है ये। घी डालने के बाद में थोड़ा सा तेल डालूंगी, देखिए थोड़ा तेल। बहुत ही लाजवाब होगा ये शोरबा। अब इसमें हम डालेंगे एक जावित्री और 3 से 4 तेज पत्ते और ये बाजियन का फूल है, ये टूट गया है, थोड़ा डाल देंगे हम। 2 इलायची, 5 से 6 लौंग और थोड़ा सा जायफल और 1 सिनेमन स्टिक्स है, ये भी डाल देंगे। और ये दहनी मिर्ची है, ये देखिए किधर भी सुपर मार्केट में, देखिए किराने के स्टोर में मिल जाएगी, ये दहनी मिर्ची है, ये भी डाल देंगे। अब हम एक प्याज को डालेंगे, बड़े 2 प्याज है ये। और ये 1 इंच अदरक है, इसको हम कट करके डालेंगे, अदरक को हाफ हाफ करके डालेंगे। और एक कली लहसुन है ये, एक जड़े लहसुन है, ये भी डाल देंगे हम सारा। क्या है ना ये वेर रेस्टोरेंट स्टाइल और लाजवाब शोरबा बनाने के लिए इसमें घी और दहनी मिर्च डालना ज़रूरी है। दहनी मिर्च बहुत ही लाजवाब होगा ये। इसको अच्छे से भून लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे मटन। शोरबे के लिए इसे बड़े बड़े पीसेस में कट करना चाहिए। गोश्त को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। एक हम डालेंगे चिकन क्यूब और ये इसका शोरबा मसाला है, ये हकीम का शोरबा मसाला, किधर भी सुपर मार्केट में मिल जाएगा। ये 1 कप है, मतलब इसका 4 टेबल स्पून है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी इसमें हम डाल देंगे। ये कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। दाल को इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे। देखिए इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम 1 कप पानी डालेंगे। देखिए करीब 1.5 कप के करीब में डाल रही हूँ। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब हम
हम इसमें 5 सीटी लगाएंगे, 5। अब लिड को हम बंद करेंगे। चूल्हे को हम बढ़ा देंगे 10 मिनट बाद दिल्ली। देखिए ना इवर सब हम देखिए कैसा लाजवाब बना है। देखिए इवर्स अब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं। देखिए फ्रेंड स्टूडेंट स्टाइल्स लाजवाब शोरबा बनके तैयार हो गया है। देखिए इसमें ज्यादा हड्डी जाती है, ज्यादा हड्डी वाला गोश्त लेना। देखिए ज्यादातर हड्डी वाला मटन लेना चाहिए इसको। ये तो शोरबा खाने में बहुत ही लाजवाब होगा, नान में खा सकते हैं ये, ऐसा ही इसे सूप भी बना के पी सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सूप बना के लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन डालेंगे। अब इसे सूप को लेके देखेंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्ट है। ये नाम के साथ बहुत ही लाजवाब है। इतना लाजवाब मैं क्या बताऊं, इतना लाजवाब है ये, बहुत ही टेस्ट है। यूवर्स आप भी आपके घर में ट्राई करके देखना। मेरा ये जो स्टूडेंट स्टाइल है लाजवाब शोरबा पसंद आया तो मेरे मुझे कमेंट में बताना, फिर लाइक करना और थम्स के बटन को क्लिक करो और सब्सक्राइब कर देना। यूवर्स जो भी मेरी रेसिपी पसंद आती है मुझे कमेंट में बताना, मुझे कमेंट आपके देखना अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहना और अच्छी अच्छी रेसिपी बना के डालती रहूँगी आपके घर में ट्राई करके देखना। यूवर्स अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआ में याद रखना। यूवर्स बाय बाय फ्रेंड्स।